सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। कोचिंग शिपयार्ड में आप लोग देखोगे आज हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ मझगांव डॉक में गिरावट है, गार्डन शिप बिल्डर्स में हल्की फुल्की गिरावट है। तो इन शेयरों में आज हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला है। इसलिए कुछ टाइम से लगातार जो ये डिफेंस स्टॉक्स है वो चल रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी बीच आप लोग देखो मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बड़ी खुशखबरी आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों देखोगे भी मंडे के दिन हमें स्टॉक के ऊपर ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। इससे ठीक पहले आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो गार्डनरशिप बिल्डर्स है उसमें आपने ज़बरदस्त जो जंप है वो देखा होगा स्टॉक में। स्टॉक फ्रेश बाउंड वीक हाई पर पहुंचा 2000 के ऊपर में। तो उसमें भी कुछ ना कुछ खबरें आई थी, कंपनी को बड़े बड़े 2 प्रोजेक्ट मिले थे, 2 ऑर्डर मिले थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई भी कोचिंग शिपयार्ड के रिगार्डिंग, इस स्टॉक में भी हमें एक्शन देखने को मिलेगा मंडे के दिन। तो चलिए देखते, उससे पहले जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग भी जरूर ज्वाइन हो सकते हो। भी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे देखो भी ऐसी, अगर कभी कभार कोई अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हाथ लगेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो चलिए अब देख लेते भी इसके रिगार्डिंग क्या कुछ खबर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जून 28 आज के दिन कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। NSE BSE की साइट पर जाकर आप लोग इसका जो है वेरिफिकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर देखोगे भी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या भी UCSL, ठीक है, ए होली आउंड सब्सिडरी ऑफ CSL कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड सिक्योर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4+4 यानी कि 4 और 4 8 NOS ऑफ 6300 TDW ड्राई कार्गो वेसल्स। तो ये जो TWD 6300 TWD ड्राई कार्गो वेसल्स के लिए आप लोग देखोगे ये 8 कंपनी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करेगी और उससे इंस्टॉलेशन जो कुछ है वो कंपनी करके देगी, इस प्रोजेक्ट्स को तैयार करके देगी। और ये जो ना अभी कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है, और ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, कितने का है, वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, देखो होली आउंड सब्सिडरी कंपनी है भी, ये जो UDP है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, ये CSL की कोचिंग शिपयार्ड की सब्सिडरी कंपनी, और इसको जो ना अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि आप लोग देखोगे विल्सन ए एस ए नॉर्वे, वहाँ से जो है अभी कंपनी को ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर है इसके लिए आप कंपनी जो है डिजाइन करेगी इसका एंड कंस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन 4 of 6300 TWD जो ड्राई कार्गो वेसल्स है उसके लिए। एग्रीमेंट हैज ऑल्सो बीन एंटर्ड इंटू 4 additional vessels, तो इसके साथ साथ 4 जो अतिरिक्त वेजल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसने साइन किया है। तो ये टोटल अपडेट्स हैं, यानी कि जो नॉर्वे की विल्सन ASA से जो अभी 4 6300 TDW ड्राई कार्गो वेसल्स की जो अभी डिजाइन और जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसके अलावा आप लोग 4 अतिरिक्त वेजल्स भी जो अभी कंपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन उसको जो अभी करके देगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसकी जो ऑर्डर की कुल वैल्यू है वो आप लोग देखो 1100 करोड़ रुपये है। आप लोग 28 जून को ये ऑर्डर मिला कंपनी को, इसे जो कंपनी वो 28 सितंबर तक एग्जीक्यूटेड करते हुए नजर आएगी, इसे कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। तो ये कंपनी की बड़ी अपडेट आई अभी, और इस 1100 करोड़ के ऑर्डर के बाद स्टॉक में हमें जो भी एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा मंडे के दिन। कल तो बाजार बंद है ना, 2 दिन तो सैटरडे और संडे के चलते, अब आपको मंडे के दिन जबरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर आपकी होल्डिंग है तो यहां पर आप लोग जो भी जरूर इसको होल्ड करके चलिए, और यहां पर आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएगा भी कंपनी क्या तैयार करके देगी इसको, ठीक है, ये वो है भाई, ठीक है, जो वेजल्स है ये तैयार करके देगी कंपनी इसको। तो इसके अलावा और बाकी यहाँ पर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना, इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह। तो कोचिंग शिपयार्ड में आप लोग देखोगे भी स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन आने की संभावना है। 2352 का जो इसका ऊपर में लेवल है ये ब्रेक होते हुए नजर आएगा हमें मंडे के दिन, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद जो स्टॉक देखो भाई टिकेगा नहीं टिकेगा मुझे नहीं पता, स्टॉक में जो ये ऑर्डर है ये आप लोग देखोगे 5 से 10% के बीच की तेजी जरूर लेकर आएगा इसके अंदर, और क्या पता भी ऊपर में भी उछल जाए। तो इस ऑर्डर के बेस पर आपको जो अभी स्टॉक में एक्शन देखने मिलेगा। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टॉक है उनमें भी हमें जो अभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नीचे में सपोर्ट रहेगा अभी 2100 रुपये का, स्टॉक अभी टाइम 2200 के आसपास है,
और ऊपर में 2352 का पहला टारगेट रहेगा। ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो ये 2500 तक के मूव दिखा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।